तो हेलो, वेलकम बैक टू नदर नेबुडी वॉच। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, बहुत सारे लोग मतलब कि जॉब करना चाहते हैं टाटा स्टील में, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि हम लोग कैसे वहाँ ज्वाइन करें या फिर हमें कैसे जॉब मिलेगा। तो ऐसे कौन कौन से रास्ते हैं जिसके थ्रू हम लोग टाटा स्टील में एज अ एम्प्लॉयज हम लोग काम कर सकते हैं या फिर वहाँ जॉब हमको मिल सकता है। तो चलिए फटाफट से आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो यार चैनल को लिए सब्सक्राइब एंड वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए फटाफट से आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो टाटा स्टील में जॉब करने के लिए आपको या तो आप अप्रेंटिस में करो या फिर एज अ परमानेंट आपको वहाँ पर जॉब कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, अगर आप टाटा स्टील में अप्रेंटिस एज अ अप्रेंटिस की बात करूँ अगर आप करना चाहते हो तो अप्रेंटिस के लिए आपको एक जो आता है ट्रेड अप्रेंटिस, ये एवरी ईयर आता है, मतलब साल में कभी कभी दो बार भी आ जाता है ये जो ट्रेड अप्रेंटिस का। तो ट्रेड अप्रेंटिस में आपको सबसे पहले तो इस तरह कर से आप अगर आप टेंथ किए हुए हैं तो टेंथ वाला टेंथ के तुरंत बाद आपको अप्लाई करना होता है। तो जो भी एज अ फ्रेशर जो भी है मतलब कि तुरंत फिलहाल में ही टेंथ पास आउट है तो वो से लोग एज अ मतलब कि ट्रेड अप्रेंटिस आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। डिप्लोमा वाले भी अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो डिप्लोमा वालों का भी एज अप्रेंटिस पोस्ट आता है, बट ये अभी भी लास्ट ईयर आया था, उसके बाद अभी नहीं आया है, एक साल से नहीं आया, मतलब कि ये रेगुलर उतना बहुत कम ही ऐसा निकालता है। ये जो 2021 में आई थिंक इसका आया था, 2021 में इसका आया था, उसके बाद नहीं आया है डिप्लोमा अप्रेंटिस का। तो डिप्लोमा वाले उस टाइम जब था ना उस टाइम आपको अपने फ़ोन से ही वहाँ पे सेंटर पे बुलाया जाता था, फिर अपने फ़ोन से ही वहाँ पे लॉगिन करके आपको एग्ज़ाम देना होता था, ऐसा इस टाइप का था। लेकिन अब जो है ना हर एक एग्ज़ाम जो भी टाटा स्टील लेता है ना वो TCS जो एजेंसी है वो कंडक्ट कराता है, तो आपको CBT मोड पे होता है, वो आपको पता ही है कि TCS कैसे कंडक्ट कराता है, वो भी आपका एग्ज़ाम सेंटर मिलेगा और ऐसे करके आप एग्ज़ाम आपका होता है। तो बात करूँ ये जो अप्रेंटिस का बात तो हो गया, अब मैं बात करूँ अगर आप परमानेंट वाला जॉब के लिए चाहते हो तो उनके लिए देखो JET आता है, फिर AET आता है, एंड या फिर AEP बोलता है, असिस्टेंस इंजीनियर प्रोग्रामिंग, ये होता है इसका फुल फॉर्म। एंड JET का फुल फॉर्म होता है जूनियर इंजीनियरिंग ट्रेनिंग। तो ये आपको डिप्लोमा वाले हैं तो ऑब्वियसली आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो। फिर या फिर ग्रेजुएट वालों के लिए AEP होता है, उसमें आप मतलब कि ग्रेजुएट साइंस से किए हुए हैं तो ऑब्वियसली अप्लाई कर सकते हैं। एंड BE BTEC वाले भी, एंड अभी जो आया हुआ है वो CS एंड IT का आया हुआ था, तो इसमें भी ग्रेजुएट ही मांगा था। तो ये जो दो तरीक़े से आप लोग टाटा स्टील पे आप लोग जॉब कर सकते हो। ऐसे और भी तरीका है, जैसे कि अगर आप वहाँ पे आपके कोई रिलेटिव वगैरह जॉब कर रहे हैं तो एम्प्लॉयज वार्ड के थ्रू भी आप लोग वहाँ घुस सकते हैं, मतलब कि जॉब आपको मिल सकता है, बट वो अलग तरीका हो जाता है। ये जो मैं बताया ये मतलब ये जेन्युइन तरीका से आप लोग को मतलब कि फॉर्म फिलअप करो, कोई भी एज अ फ्रेशर्स फॉर्म फिलअप करके ऐसे एग्जाम दो सेंटर पे एंड इंटरव्यू दो, फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो सिंपल मतलब कि जो भी हर एक एग्जाम में होता है उसी तरह से कंडक्ट कराता है, फिर सिलेक्शन लेता है मतलब रिक्रूट करता है इस तरह से। तो आई होप कि ये छोटे से वीडियो आपको पसंद आया है, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड इसी तरह के आप अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और एंड बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता भी था तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, तो ये वीडियो जिनको नहीं पता था उनके लिए था, इसलिए आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना यार। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।